आज बात करते हैं कैसे केमिकल कंपाउंड की जो कि ब्यूटी इंडस्ट्री का ब्रेड एंड बटर बना हुआ है। स्किन व्हाइटनिंग को लेकर लोग उसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ यहाँ पर ग्लूटाथायोन की। आपने भी सुना होगा ग्लूटाथायोन के बारे में। तो क्या वाकई ही ग्लूटाथायोन लेना बेनिफिशियल है, कैसे कोई साइड इफेक्ट्स हैं और हमें ये कैसे लेना चाहिए, आज इस वीडियो के जरिए हम जानेंगे। तो सबसे पहली बात कि ग्लूटाथायोन है क्या, इन एक्चुअल ग्लूटाथायोन क्या है। ग्लूटाथायोन एक बहुत ही पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है जो कि आपके बॉडी में जितने भी फ्री रेडिकल्स बन रहे हैं या ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है उसको कम करने में हेल्पफुल होता है। इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट होते हैं हमारी बॉडी में। किसी भी तरह का अगर डैमेज आपकी बॉडी के अंदर हो रहा है, जैसे कि बहुत बड़ी बड़ी बीमारियाँ जैसे कि कैंसर भी है, उसमें भी ग्लूटाथायोन का इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपको रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, ऑटोइम्यून तरह की कोई भी प्रॉब्लम है, उसमें ग्लूटाथायोन का एक्चुअली इस्तेमाल किया जाता है। ड्रिप के जरिए आपके आईवी लाइन के जरिए किया जाता है, इन एक्चुअल उसका यूज ये है। लेकिन ग्लूटाथायोन की ऐसी बात है कि इसका एंटी मेलानोसाइटिक एक्शन भी देखने को मिलता है, जिसमें कि ये मेलानिन का जो पिगमेंट है उसको कम कर देता है और एज ए रिजल्ट आपके स्किन में व्हाइटनिंग होना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन ये बहुत ही टेम्पररी होता है, जितनी देर आप ग्लूटाथायोन का इस्तेमाल करते हैं तब तक होता है। उसके बाद जैसे ही आपने छोड़ दिया और फिर से आपका स्किन वैसे ही हो जाता है। लेकिन अच्छी बात ये है कि ग्लूटाथायोन नेचुरली आपकी बॉडी प्रोड्यूस करती है, आपके लीवर में नेचुरली ग्लूटाथायोन बनता है। ये तीन तरह के अमीनो एसिड से बनता है, ग्लूटामिन ग्लाइसिन एंड सिस्टीन, इन सबको मिलाकर ग्लूटाथायोन बनता है और ये लीवर नेचुरली प्रोड्यूस करता है और ये बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है। लेकिन इसकी टैबलेट्स भी अवेलेबल हैं आजकल अगर हम देखते हैं जो एड्स हैं उसमें सॉप्स में भी ये डाला जाता है, क्रीम्स में स्प्रे के जरिए ग्लूटाथायोन दिया जाता है। लेकिन वाकई ही ये हेल्पफुल है क्या, ये वाकई में आपका स्किन को व्हाइटनिंग करेगा? तो सबसे पहली बात है कि ओनली ग्लूटाथायोन का एब्जॉर्प्शन हमारी बॉडी में नहीं होता है, ना के बराबर होता है, तो ये कम्प्लीटली बेवकूफ बनाने वाली बात है। तो आप टैबलेट्स का इस्तेमाल नहीं करें तो बेहतर है। आईवी ड्रिप्स जो होती हैं ग्लूटाथायोन के इंजेक्टेबल्स इंजेक्शंस होते हैं वो डेफिनेटली वर्क करते हैं, लेकिन हम उसका इस्तेमाल हॉस्पिटल कंडीशन सेटिंग्स में ही करते हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा अगर आपको, जैसे मैंने बोला कि कैंसर वगैरह के लिए ही अगर किया जाए या फिर रूमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए या स्किन कोई भी अगर आपको बहुत ही ऐसी कंडीशन है, सीरियस कंडीशन है, उसमें आपको थोड़ा एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए अगर किया जाए, आपकी इम्यूनिटी इम्प्रूव करने के लिए अगर किया जाए तो बेटर है। लेकिन स्किन व्हाइटनिंग के लिए अगर आप सिर्फ ग्लूटाथायोन लेना चाहते हैं तो ये रिस्की हो सकता है, क्योंकि इसके खुद से ही बहुत सारे साइड इफेक्ट होते हैं अगर आप आर्टिफिशियली बाहर से आईवी ड्रिप के जरिए लेते हैं ग्लूटाथायोन। इसकी स्प्रेज या फिर इसकी ट्यूब्स वो थोड़े टाइम के लिए तो आपको व्हाइटनिंग इफेक्ट दे देंगी, लेकिन जैसे ही आप छोड़ेंगे उसके बाद फिर से आपकी स्किन वैसे ही हो जाएगी। तो इसके बहुत ज़्यादा से एलर्जिक रिएक्शंस भी आपको हो सकते हैं। तो ग्लूटाथायोन जो है आपको कम्प्लीटली अवॉइड करना है। ऐसा कुछ भी हमारे पास फैक्ट्स नहीं है कि ये स्किन के ऊपर कोई बेहतर असर करता है। इसके अलावा ग्लूटाथायोन क्योंकि आपकी बॉडी खुद से प्रोड्यूस करती है, तो आपको ऐसे डाइट अपनी डाइट में ऐड करने चाहिए, ऐसे फूड्स ऐड करने चाहिए जो कि ग्लूटाथायोन को नेचुरली आपकी बॉडी प्रोड्यूस करने में हेल्पफुल हो, जैसे कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, स्प्राउट्स हैं, नट्स हैं, सीड्स हैं, ये नेचुरली फ्लैक्स सीड स्पेशली, मिल्क थिसल, इसमें बहुत रिच क्वांटिटी में ग्लूटाथायोन होता है। तो ये अगर आप डेली अपनी डाइट में ऐसी डाइट रखते हैं जिससे कि नेचुरली आपका लीवर ग्लूटाथायोन प्रोड्यूस करना स्टार्ट हो जाए, वो ज़्यादा बेनिफिशियल है रेदर देन गोइंग टू द टैबलेट्स विच इज़ कम्प्लीटली यूजलेस, क्योंकि वो उसकी एब्जॉर्प्शन नहीं होगी। तो आईवी ड्रिप्स के खुद से साइड इफेक्ट्स होते हैं, तो यू शुड कम्प्लीटली अवॉइड ग्लूटाथायोन।